बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 में एसोटोप्स को डिस्कस करते हैं। अब एसोटोप्स क्या हैं? एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस आर सेड टू बी एसोटोप्स। वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो मगर मास नंबर डिफरेंट हो, एक दूसरे के एसोटोप्स कहलाते हैं। अब एक एसोटोप्स में क्या होता है? एक एसोटोप में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन। केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती हैं। इसी वजह से चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। अब इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि इसमें डिफरेंट होते हैं, इस वजह से एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। और क्योंकि एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक मास। अब देखते हैं एसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन को। जो मोस्ट एलिमेंट्स हैं उनके एसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन के भी 3 नेचुरली अकरिंग एसोटोप्स हैं। इनकी अबंडेंस डिफरेंट है इन एटमॉस्फेयर। जो प्रोटियम है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, इस वजह से हम लोग हमेशा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मान लेते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पाया ही जाता है। उसके अलावा इसके एसोटोप्स हैं ड्यूटियम और उसके अलावा क्या है, ट्रिटियम। प्रोटियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होते हैं। ड्यूटियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 1 होता है, इसकी वजह से इसका एटॉमिक मास 2 होता है। जबकि ट्रिटियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, 2 होते हैं, इस वजह से इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 3 होता है। अब अगर मैं एसोटोप्स ऑफ कार्बन की बात करूं तो कार्बन के 3 एसोटोप्स हैं, जिनमें से 2 जो है वो नेचुरली तौर पर पाए जाते हैं और 1 जो है वो रेडियो एक्टिव है। कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। कार्बन 12 इसमें 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन, 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कार्बन 13 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन, 7 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कार्बन 14 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जो 14 होता है ये रेडियो एक्टिव होता है। अगर मैं अबंडेंस की बात करूं तो जो कार्बन 8 है वो 98.9% पाया जाता है। इस वजह से जब हम लोग कार्बन का मास देखते होते हैं, आमतौर पर हम 12 लेते होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पाया यही जाता है। अब कार्बन है तो उसका 14 भी होता है और 13 भी होता है, ये दोनों जो हैं 1.1% पाए जाते हैं। एसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के 2 एसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 735, क्लोरीन 37। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 17 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 18 होते हैं। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 20 होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं। मतलब एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक मास डिफरेंट, तो ये क्या है, एक दूसरे के एसोटोप्स। इसी तरह से यूरेनियम के भी 3 एसोटोप्स हैं, 234, 235 एंड 238। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 92 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 142 होते हैं। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 92 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 143 होते हैं। जबकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 92 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 146 होते हैं। और ये जो 99% है ये यूरेनियम 238 अर्थ में पाया जाता है। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूजेज ऑफ एसोटोप्स को डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई विश यू बेस्ट ऑफ